सो फाइनली आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखा तो जान चुके मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमएक्सटेकार्ड के एप्लीकेशन के बारे में। एमएक्सटेकार्ड के एप्लीकेशन पे अगर आप लोग 3 गलतियां करते हो इस कारण से आपके एमएक्सटेकार्ड अकाउंट पर ना ही तो फॉलोवर्स आते हैं, ना ही आपके वीडियोज पे व्यूज आते हैं, ना ही आपके वीडियोज पे लाइक आ पाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर एमएक्सटेकार्ड अकाउंट पे अगर आपका एक भी वीडियो जो है 1 मिलियन या 2 मिलियन तक जो है आपका वीडियोज पे व्यूज क्रॉस कर जाता है, उसी वीडियो से जो है आपके एमएक्सटेकार्ड अकाउंट पे जो है 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर जो है इजिली कंप्लीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने में लोगों कौन से 3 गलती आपको नहीं करनी है। उससे पहले छोटी और नंदी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे एमएक्सटेकार्ड ऐप से रिलेटेड काफी चैनल और वीडियो आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते मोबाइल के स्क्रीन पे। सो आज के मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में एमएक्सटेकार्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं एमएक्सटेकार्ड वीडियो का वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर और साफ सुनाई देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि नीचे साइड में देख सकते हो आप लोग सामने जो है यहाँ पे एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर दोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं पहला जो गलती होता है आपके वीडियोज की क्वालिटी को लेकर होता है। जो अगर आप लोग यहाँ पे अपने एमएक्सटेकार्ड वीडियोज में क्वालिटी नहीं ला पाते तो इस कारण से भी आपके एमएक्सटेकार्ड अकाउंट पे जो है अच्छा खासा ग्रोथ जो आने वाला होता है वो रुक जाता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखते मैंने एक वीडियोस को अपलोड किया हुआ है जो ये 2-3 दिन पहले जो मैंने इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखते तो इस वीडियोस पे ना ही तो लाइक है, ना ही यहाँ पे व्यूज भी है, ना इस वीडियोस पे कमेंट है। आखिर इसमें गलती क्या है जिसके कारण इस वीडियोस पे ना ही तो लाइक आया, ना ही तो व्यूज आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें देख सकते हो कि क्वालिटी जो है कितना बेकार है। अगर आप लोग इस तरह का क्वालिटी अपलोड करते हो तो फाइनली इस वीडियोज को जो है एमएक्सटेकार्ड के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ माना जाता है और फाइनली इस तरह का आपका वीडियो जो है कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियोज को डिलीट भी नहीं करना है, ये भी आपको एमएक्सटेकार्ड के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे अपने एमएक्सटेकार्ड वीडियो को वायरल करने के लिए यहां पे अपने वीडियोस में क्वालिटी लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट गलती अगर आप लोग ये करते हो तो इस गलती को सुधार लो, आपको अपने वीडियोस में क्वालिटी लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर दूसरा गलती हम लोगों को क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे जब भी आपके एमएक्सटेकार्ड अकाउंट पे कोई भी वीडियो आपका ट्रेंडिंग यानी कि वायरल होने लगता है तो आप क्या करते हो उस वीडियोस को बार बार क्लिक करते हो और उस वीडियोस को आप अपने वीडियोस फोन में जो है बार बार वॉच करते हो। इससे भी आपको एमएक्सटेकार्ड कम्युनिटी गाइडलाइन जो है यहाँ पे चेकआउट करता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आप लोग अपने वीडियोस को बार बार वॉच करते हो तो एमएक्सटेकार्ड को यह लगता है कि अपने वीडियोज को वायरल करने के लिए यह बंदा अपने वीडियोज को बार बार देख रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपके वीडियोज का क्लिक थ्रू रेट जो है कम कर दिया जाता है, इंप्रेशन कम कर दिया जाता है, जिससे आपका वीडियो जो है वायरल नहीं हो पाता। तो अगर आप लोग अपने वीडियोज को बार बार वॉच करते हो तो फाइनली अभी रोक दो नहीं तो आपका वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा। तो ये जो हो गया हम लोगों का दूसरा गलती। अब चलिए तीसरा गलती क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरा गलती क्या होता है कि अगर आप अपने एमएक्सटेकार्ड अकाउंट पे वीडियो कोई भी अपलोड कर दिए और डायरेक्टली क्या किए कि ऑटोमेटिक उस वीडियोस को आप डिलीट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि मैंने इस वीडियोज को यहाँ पे मैंने इस वीडियो को देखी है, इस वीडियोज पर ना ही तो व्यूज है, तो मैंने क्या किया कि ये वीडियो पे व्यूज नहीं है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे 3 डॉट वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, मोर वाला आइकन पे। और जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने एक डाउनलोड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर डिलीट का आइकन आ जाता है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं इस डिलीट लेकिन पे क्लिक करके हम लोग इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस तरह का वीडियो जो है आपने अपलोड कर दिया और फिर इसे जो है डिलीट कर दिया तो ये भी एमएक्सटेकार्ड के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसके कारण आपका एमएक्सटेकार्ड अकाउंट जो है ग्रोथ से जो है फिर से अनग्रोथ हो जाएगा, आपके वीडियोस पे फिर से लाइक व्यूज नहीं आएंगे। आखिर आप लोगों को आपका जब वीडियो खराब हो जाता है तो आपको करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि नीचे साइड में आप लोगों को स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप लोग सामने एक परमिशन का आइकन देखने को मिल जाता है। देख सकते हो नीचे साइड में आप लोगों को यहां एक परमिशन देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है परमिशन वाला आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है अपने वीडियोस को जो है प्राइवेट कर देना है। अब यहाँ पर देखो आप लोग सामने एक प्राइवेट का आइकन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको प्राइवेट वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग प्राइवेट वाला आइकन पे क्लिक कर दोगे आपका वीडियो यहाँ से प्राइवेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा, बैक आने के बाद ये वीडियो जो आपका प्राइवेट हो चुका है, अब इस वीडियोज को आप 2-4 दिन बाद जो है आप इस वीडियो को डिलीट कर पाओगे। अब इस वीडियो को कैसे डिलीट कर पाओगे चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब सिंपली अब यहाँ से आपको बैक आना है और
बैक आने के बाद यहाँ पर देखो ऊपर के साइड में आप लोग सामने जो है यहाँ पे एक प्राइवेट का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस प्राइवेट वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग प्राइवेट वाला आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों का वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप लोग 10 दिन 5 दिन आपका पुराना वीडियो हो जाए फिर आपको मोर वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट वाला आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे यस डिलीट वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपका वीडियो डिलीट होगा तो एमएक्स टकाटक अकाउंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका एमएक्स टकाटक अकाउंट अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो ये गलती अगर आप लोग 3 गलती कर दो तो आप लोगों को अभी से सुधार लेना है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर एमएक्स टकाटक पर अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि नीचे के साइड में आप लोग सामने यहाँ पे एक सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर दोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ऊपर के साइड में देख सकते हो कि आप लोग सामने बहुत सारे यहाँ पे पोस्टर चलते हुए नजर आ जाते हैं। और फाइनली आपको क्या करना है, इस पोस्टर सब पे जो है आप लोगों को एक एक वीडियो जो है डेली अपलोड करना है। यानी कि जब भी आप लोग एमएक्स टकाटक पर वीडियो अपलोड करने तो एक वीडियो जो है इस पोस्टर से रिलेटेड आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पोस्ट करना है इन हैशटैग को यूज करके, जिससे आपका एमएक्स टकाटक अकाउंट जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा और आपके वीडियोस में अच्छे खासे क्वालिटी होंगे, आपका वीडियोस में कुछ अलग हट के कंटेंट होगा तो फाइनली वो वीडियो आपका वायरल हो जाएगा और उसी वीडियो से जो है आप लोग यहां पे जो है 10K 100K फॉलोअर जो आप लोग गेन कर पाओगे। यानी कि आपका वीडियोस पे एक भी वीडियोस पे मिलियन में व्यू पहुंच गए तो उसी वीडियो से आपका जो है 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर जो है गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने एमएक्स टकाटक अकाउंट को जो है ग्रो कर पाओगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग एक और गलती जो अगर आप लोग सुधार लेते हो, अगर आप लोग एमएक्स टकाटक की सहायता करते हो तभी भी आपको एमएक्स टकाटक का जो अकाउंट है वो आपका ग्रो कर जाएगा। एमएक्स टकाटक को लगता है कि भाई ये जो ऑडियंस है हमारे पास एक्टिव है, यानी कि हमारे वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म को अच्छे से वर्क कराने के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखो एक नीचे के साइड में आपको होम का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको होम वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग होम वाले आइकन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आप लोग कहोगे भाई यहाँ पे क्या गलती करता है लोग, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसपे वाटर मार्क देखने को मिल जाता है दूसरे एप्लीकेशन का। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो है बिल्कुल ही खराब है, ये वीडियो हम लोगों को देखने लायक नहीं है या बच्चों को देखने लायक नहीं है, तो आपको इस कर्म में आपको करना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो ये वीडियो मेरे को बिल्कुल ही खराब लगा क्योंकि ये वीडियो अच्छा नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखो एक शेयर का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और शेयर वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो कि नीचे साइड में आप लोग सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहीं पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है और जैसे कि स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिपोर्ट का। अब सिंपली आपको क्या करना है, रिपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग रिवर्ट वाले आइकन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सिलेक्शन करना है कि आखिर इस कंटेंट में आखिर खराब क्या है, सेक्सुअल कंटेंट है या वॉल्यूशन है या हार्मोन्स है या वगैरह गाइडलाइंस को अनफॉलो कर रहा है या जो चीज़ भी है, आपको यहाँ से क्या करना है उस पर सिलेक्ट करना है और सबमिट वाला आइकन पर क्लिक कर देना। आपको ये वीडियो अगर खराब लगता है, अगर इस वीडियो में कुछ गलत है तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करोगे तो इससे एमएक्स टकाटक को ये लगेगा कि ये बंदा जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और हमारे प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से ग्रो कराने के लिए काम कर रहा है। तो इससे आपको एमएक्स टकाटक अकाउंट को जो ग्रोथ दिलाएगा और आपके वीडियोस पे अच्छे खासे लाइक्स भी आएंगे और आपके एमएक्स टकाटक अकाउंट को जल्दी से जो है यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरे बताए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एमएक्स टकाटक पे आपका एक भी वीडियोस पे 100K 10K या मिलियंस में लाइक व्यू चले जाता है तो उससे ही आपका फॉलोअर जो है अच्छा खासा गेन हो पाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मैंने बताया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, वीडियो का कोई भी पार्ट क्लिप अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे एमएक्स टकाटक ऐप से रिलेटेड काफ़ी सारी नोज वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। तो चलिए देर न करते वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।